टेंशन गाइस, इस व्लॉग को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके आगे वाले व्लॉग्स में क्या आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड। तो और जो इसके बारे में कहा जाता है ये हॉन्टेड, वैसा आपको कुछ लगा वैसा? ऐसा मुझे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू अनदर ग्रेट एपिसोड ऑफ डेलीवी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आई एम सॉरी, मैं मानता हूँ मेरी गलती है। पिछले नहीं यार, डेढ़ महीने से मैं आपके लिए कोई व्लॉग नहीं लाया। आई मीन दैट्स रियली बैड। बट साथ ही साथ कहना चाहूँगा थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना साथ दिया अभी तक की जर्नी में। एंड या जितना आलस वालस था वो पीछे छोड़ के चलते हैं आगे, और आपके लिए कुछ बहुत ख़तरनाक कंटेंट प्लान कर रखा है मैंने इस हफ्ते। एंड गाइस, चलिए उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ इस व्लॉग में, और थोड़ी बहुत दिल्ली की खूबसूरती दिखाता हूँ आज आपको। तो चलिए गाइस, लेट्स गो एंड हैव सम फन। गाइस, यू नो व्हाट, एक्चुअली हमें एक बहुत क्यूट फ्रेंड ने ज्वाइन किया अभी रिसेंटली। वुड यू से हेलो टू दिस क्यूट किटन? हियर शी इज। गाइस, आपको कोई आइडिया नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, एंड होना भी नहीं चाहिए, फिर क्या फ़ायदा। लेट्स गो एंड गिव यू अ सरप्राइज। सो लेट्स गो। या सो हेलो गाइस, बैक अगेन। तो अगर आप लोगों का अभी तक आइडिया नहीं हुआ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इतनी सुनसान सी जगह में, बता देता हूँ आपको। इट्स लाइक, लोग कहते हैं ऐसा कि इट्स वन ऑफ द हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली, भूली भटियारी का महल, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपने टाइम पे बनाया था। बट ऑनेस्टली मुझसे पूछो गाइस, मुझे इस जगह में कोई हॉन्टिंग वाइब्स नहीं दिखती। बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। आसपास की जो हरियाली है, जो कहने जंगल नहीं कह सकते बट या हरियाली कह सकते हैं, बहुत पीसफुल होती है यहाँ पे। काफ़ी बार बच्चे चिल करने आते हैं, काफ़ी बार कपल्स आते हैं जो पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन का शिकार हो जाते हैं, और उन्हें पुलिस उठा के ले जाती है। दैट्स प्रिटी सैड। या दैट्स प्रिटी सैड अकॉर्डिंग टू देयर परस्पेक्टिव। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। बट या आगे आ रहा है भूली भटियारी का महल, और आपको उसके खंडर दिखाता हूँ। लेट्स गो। हे गाइस, मैं अभी हरकेश कुमार जी के साथ हूं, जो अभी अंदर रिसेंटली भूली भटियारी से आए हैं, और वो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे। सो लेट्स सी उनका क्या कहना है भूली भटियारी के बारे में। सो सर बताइए। मेरा ऐसा मानना है कि ये एक मोनूमेंट्स है जिसके बारे में दिल्ली के लोगों को ही नहीं पता कि इतने सेंटर ऑफ द कैपिटल के अंदर ये एक मोनूमेंट्स है। और इस मोनूमेंट्स के अपनी एक ऐतिहासिक धरोहर है, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिसके बारे में कोई बताने वाला भी नहीं है, और लोग बहुत कम इसके बारे में जानते हैं। इस तरह की धरोहर को सरकार द्वारा प्रिजर्व किया जाना चाहिए, लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक तौर पर हमारा जो देश है वो बहुत ही सुदृढ़ है, बहुत ही कलरफुल है। इसका जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, और पूरी दुनिया के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। सरकार द्वारा इस तरह के प्रयासों को जिसमें कंजर्व किया जा सके और लोगों तक अधिक से अधिक लोग इसको जान पाएँ, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। थैंक यू। और ये अंदर दिखने में बहुत ही अच्छा है, और अपनी एक इसकी कहानी है, इतिहास है, और इतिहास जो होता है वो बेशकीमती होता है, क्योंकि उससे ही हम अपना भविष्य बना। जी बिल्कुल। तो और जो इसके बारे में कहा जाता है ये हॉन्टेड, वैसा आपको कुछ लगा वैसा? ऐसा मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा, और मैं इन चीज़ों में भरोसा भी नहीं करता।
और मुझे कभी कभी लगता है कि इस तरह की बातें करके लोगों को भ्रमित ही किया जाता है। जी, आपके बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। इसीलिए लोग बहुत कम इस जगह पर आते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भ्रामक चीज़ों को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। जो जी, ये बात बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, आपके साथ बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ऑडियंस, थैंक यू फॉर हैविंग पेशेंस लिसनिंग। हे गाइस, तो मैं वापस आ गया हूँ रूम पे। अनफॉर्चुनेटली बैटरी ख़त्म हो गई थी गोप्रो की, नहीं तो वहीं पे वीडियो को इंक्लूड कर देता और बातचीत ख़त्म करता हूँ वहाँ पे, क्योंकि जो मेन बातचीत है वो अभी तक रुकी हुई है। भूली भटियारी की बात करता हूँ, वहाँ का कंक्लूजन बहुत अच्छी जगह है, एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं वहाँ के, रिलैक्स करने जा सकते हो, अपना माइंड रिफ्रेश करने जा सकते हो आप वहाँ पे। एक विज़िट तो बनता है अगर आप दिल्ली आए हो, एंड अगर आप डिटेल में एक्सप्लोर करने आए हो दिल्ली को, तब भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। चलिए, इतनी बात तो हो गई। उसके अलावा माय डियर कम्युनिटी, आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप इस कम्युनिटी के बहुत बड़ा हिस्सा हो, तो एक रिक्वेस्ट है छोटी सी। अगले 7 दिन के लिए मेरे पास अबंडेंस ऑफ टाइम है व्लॉगिंग के लिए, तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी जगहों को मैं एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा मुझे। तो एक टू वे प्रोसेस रखते हैं, आप कम्युनिकेट करके बताइए मुझे आपको कौन सी जगहें एक्सप्लोर करनी है, तो आपकी तरफ से मैं चला जाऊंगा वहाँ पे एक्सप्लोर करके आपके साथ शेयर कर दूंगा। वैल्यू भी प्रोवाइड हो जाएगी, एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, इज़न्ट इट सो? एंड साथ ही साथ मेरा एक ग्रुप है फेसबुक पे, ब्रदरहुड ऑफ बैकपैकर्स, जिसका मैंने लिंक प्रोवाइड किया है नीचे, उससे ज्वाइन कीजिए। मैं वहाँ पे इंटरेक्शन बहुत स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी इंटेंस हो जाएगी धीरे धीरे। एंड air.limitless मेरा हैंडल है इंस्टाग्राम का, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम कम्युनिकेशन कंटिन्यू करते हैं। बस इतनी सी बात थी। तो दोस्तों, आगे के ब्लॉग्स बहुत खतरनाक रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड साथ में लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर पसंद आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड हैव फन टिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम।